हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री, NM न्यूज। ये महिला गंगापुर की रहने वाली है, चौकी बाकेगंज। इसका कहना यह है कि इसने एक व्यक्ति को 90,000 दिया था, जिसमें पिताजी और लड़का शामिल था। उसका कागज भी है और पिताजी ने भी दस्तखत किए थे, लड़का ख़त्म हो गया है। अब इसको 90,000 के लिए दर दर थाने में, कोतवाली में, लखीमपुर घूमना पड़ रहा है। जो पैसा लिया है वो दे नहीं रहा है, इसलिए वो थाने आज CO ऑफिस दिया है, लेकिन CO साहब यहाँ पे नहीं है। वहाँ पर जो बाकेगंज के किशन कुमार जो हैं, दरोगा साहब, बाके मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। एक तो उसका पैसा गया और उसको सही बात नहीं कर रहे हैं, उससे गंदी कैसे पैसा आपने दिया था व्यक्ति को? हमने अर्जुन लाल ने लिया पतियापुर वाले मेडिकल में दवाई भरने के लिए। अच्छा, अर्जुन लाल ने लिया मेडिकल में दवाई भरने के लिए उधार। कह रहे दे दो, हम गन्ना बेच के तुम्हारे दे देंगे। हाँ। तो हमने दे दिया। जब गन्ना बिका तो मांगने गए। हाँ। तो उसके लड़के ने, अर्जुन लाल के लड़के ने, परमोद सुनील कुमार, मुझे बिंद के मारा। हाँ। तो मैंने चौकी आया, एप्लीकेशन डाला। हाँ। लेकिन इनका जो जिसको रुपया दिया था वो खत्म हो गया था? वो खत्म नहीं हुआ है। हाँ। वो खत्म हुआ है, जो स्टाउन लिखा है वो खत्म हुआ है। अच्छा अच्छा, खत्म नहीं हुआ, वो जिंदा है अर्जुन लाल। अच्छा अच्छा, अर्जुन लाल ने लिया। तो हमने एप्लीकेशन डाला तो दरोगा साहब बोले कि मैं पैसा नहीं दिला पाऊंगा। अच्छा, दरोगा साहब को एप्लीकेशन दी थी बाकेगंज वालों को? बाकेगंज चौकी में दिया था। हाँ, क्या कहा? कह रहा कि हम पैसे नहीं दिला सकते हैं, जो गंदी बहुत गंदी गाली दिया कि सुनी ना जा ही सकती। कह रहा कि मनोहर कहाँ जाओ, मेरा कोई नहीं लाड़ काट पाएगी। अच्छा। हाँ, हम पैसे नहीं दिलाऊंगी माधर ज्योत को, मनोहर कहाँ जाओ। अच्छा, बहुत गंदी गाली दिया। हाँ, और कह रहा खा ले माधर ज्योत, जहर देखते हैं मेरा का हो जाए। आपने जहर भी खाया था, हमने सुना था। हाँ, वो चौकी इंचार्ज चाय में पिलाया। आपको बताया कुछ दिन पहले जी अखबारों में, न्यूजों की सुर्खियाँ बनी थी ये गंगापुर की महिला, क्योंकि इसको इसने दावा ठोका था कि हमको बाकेगंज के दरोगा ने जहर खिलाया। अब जहर खिलाने का मुझे पुष्टि नहीं है कि जहर किस प्रकार इसने खाया हो और खिलाया गया, मुझे नहीं पता है। लेकिन इस महिला को कहीं ना कहीं पीड़ित तो है, पीड़ित नहीं है तो वो चक्कर क्यों लगा रही थाना बाकेगंज, लखीमपुर और CO और गोला, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी एक दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक नियुक्त कर रहे थे, एक दिन के लिए इंस्पेक्टर बना रहे थे, वहीं पर महिला को बाकेगंज के लोग, दरोगा साहब इनको माधर चौधरी जिस हिसाब से गाली के लैंग्वेज बता रही है अपनी भाषा में, वो दे रहे हैं। अच्छा, योगी जी से आपका क्या कहना है? हमारा पैसा मिल जाए और दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए। अच्छा, दरोगा जी का ट्रांसफर हो जाए। हाँ, हमारा पैसा। क्या नाम है, फुल नाम इनका, किशन कुमार का क्या है? दरोगा जी का नाम है किशनपाल। किशनपाल, गंदी गंदी गाली दी, बहुत गंदी गाली दिया, सुन नहीं पाती। क्या जिसको आपने जो पैसा दिया था 90,000, वो क्या खत्म हो गया? नहीं, वो जिंदा है। वो जिंदा है? हाँ, वो लड़का, उसका जो स्टाम्प लिखा वो खत्म हुआ है। जो स्टाम्प लिखा है? हाँ, वो खत्म। उसने पैसा नहीं लिया? उसने पैसा, लड़के उसका कहना जो स्टाम्प लिखा वो नहीं है, जिसने लिया है वो जिंदा? वो जिंदा, अर्जुन लाल ने लिया है। क्या थाने के लोग उसको बुला भी नहीं सकते हैं क्या? नहीं बुलाते हैं। अरे बुला लो यार, पूरी कहानी खत्म हो जाएगी ना। बुलाते नहीं है उसको, हम जाके चौकी में बैठते उसको बुलाते नहीं। क्या पैसा वैसा ले लिया क्या? और क्या, उससे 40,000 रुपया लिया है। मतलब 90,000 गरीब नहीं देंगे, 40,000 पुलिस को दे देंगे। वाह भाई, जनता पुलिस से ले लिया 40,000 रुपए। ये तुम्हें कैसे पता, तुम्हें कैसे? उससे जो हम मांगे तो हम कह रहा कि हम पैसे नहीं देंगे, हम पुलिस को दे दिया। अच्छा, ये कह रहा, ये कह रहा सुनील ने बोला कि हम पुलिस की चौकी भर दिया, तुमको क्यों दे? मतलब पुलिस को दे देगा और गरीब का पेट नहीं भरेगा, मतलब ये है सिस्टम। तब ये सर किशन कुमार तुमको दबा रहे हैं जी, इसी किशन कुमार। हाँ। जो दरोगा है जो, वो दबा रहे हैं तुम्हें? दबा रहे हैं। यहाँ पर योगी पुलिस जो है वो बाकेगंज की जिस हिसाब से कर रही है जनता के साथ, उसे नहीं करना चाहिए। जहाँ पर एक दिन के लिए प्रभारी निरीक्षक नियुक्त की गई थी लड़कियाँ और महिला, वहीं पर महिलाओं को माका ढेका गाली दे रहे हैं किशन कुमार, दरोगा, बाकेगंज। मैंने रमका दी, कैमरामैन सोम मिश्रा के साथ, जय हिंद। आप देख सकते हैं जो महिला इतनी परेशान है कि CO साहब के सामने इसने कागज बिता दिए, इसने हर अधिकारियों को कागज में सूचना दी, यहाँ पर SP साहब को, इंस्पेक्टर साहब को, बस अब बचे हैं योगी आदित्यनाथ। अब इतनी पीड़ा है इस महिला को, देख सकते हैं, कोई तो बात करने वाला इसे मिले।